हमारे संगम में आया है कि कुछ इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें चाइल्ड लिफ्टर गोवा में घूम रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के एविडेंसेस भी क्रिएट करे हैं कि जहां पर उन्होंने बच्चों को उठाया है लीगल कस्टडी से और उनको लेके गया है। ये मैसेजेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से वायरल हो रहे हैं और न केवल गोवा में, अलग अलग राज्यों में ये चल रहे हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में भी इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि ये सब रूमर्स हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हमारे पास गोवा में पिछले 2 साल से, इनफैक्ट इस साल और पिछले साल, हमारे पास कोई भी केस छोड़िए कोई भी कंप्लेंट भी हमारे किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के इवेंट में दर्ज नहीं हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस रूमर की वजह से एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है सभी जनता के मन में, चाहे वो गोवा के हैं, बाहर के जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। इसके तहत हमारे यहाँ पे कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, मैं वो इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक तो हमारा 20 तारीख को इंसिडेंट हुआ था मोती डुंगूर में, जिसमें एक लेडी है जो खुद अपना बच्चा लेके वापस घर जा रही थी और रास्ते में उसको एक रैक पे करा है मोहम्मद जमशेर करके एक व्यक्ति है, उसने उसको जस्ट इस पैनिक के कारण उसको समझा कि ये तो चाइल्ड लिफ्टर है और उसको असॉल्ट किया, उस पर अटैक किया। तो ये जो अक्यूज्ड है मोहम्मद जमशेर, ये यहीं का रहने वाला है, इस पे हमने एक्शन लिया, इसके अगेंस्ट हमने एफआईआर किया है और वो इसको अरेस्ट भी किया और इस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। कल ही हमारे यहाँ पे फिर से 2 इंसिडेंट हुए हैं, एक ये वास्को ये फतौडा पुलिस स्टेशन में आपका जो ये हॉस्पिटल है ऑस्पिशियस, उसके सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने एक बैगर को हटा रहा था, वो बैगर रोज वहां बैठता था, उसको हटा रहा था, जब वो नहीं हट रहा तो उसने एक पीसीआर कॉल कर दी कि चाइल्ड लिफ्टर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर और वो एक्शन में है। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो पता चला ये बैगर है, हालांकि इसको हमने बैगर एक्ट में भी किया है, साथ ही साथ हमने सीआरपीसी के तहत रूमर फैलाना और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पुलिस को, जिसके तहत उन पर एक्शन करने के कारण इस जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उस पर भी एक्शन लिया है सीआरपीसी के तहत। एक और इंसिडेंट हुआ है कल वास्को में, जिसमें अगेन एक तरह की रूमर फैला दिया कि कोई एक सस्पेक्टेड बंदा है जो वास्को के खारे बांध में घूम रहा है और जो चाइल्ड लिफ्टर है। जब इस कॉल को वेरीफाई किया गया तो हमें पता चला जो बंदा है वो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, ही इज मेंटली इल और वो काफी टाइम से है वहां पे, घूमता भी रहता है। वो किसी बच्चे के साथ खड़ा था, जस्ट उसके साथ खड़े होने पे ही, क्योंकि एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर रखा है, ये कॉल कर दी। जब उसको वेरीफाई किया वो मेंटली अनफिट था, उसको हमने IPHB में भर्ती भी कराया है। तो मेरा जो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, प्लस और भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए जो हमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पैनिक के साथ कॉल किया जाता है और उसमें यह बताया जाता है कि चाइल्ड लिफ्टर है। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है गोवा में, कोई भी इस तरह का केस नहीं है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस तरह का कोई नहीं है। हमारी पुलिस प्रॉपर उसमें विजिल मेंटेन कर रही है, हमारी पीसीआर जो स्कूल के आने का वक्त है, जाने का वक्त है और जो हैवी मार्केट्स होती है उसमें प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रही है। इस तरह का कोई भी इंसिडेंट गोवा में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें प्रिकॉशियस, विजिल और अलर्ट होना जरूरी है। मेरी भी बेटी है, वो भी स्कूल जाती है, तो आई एम विजिल, आई एम अलर्ट, पर इसका मतलब ये नहीं मैं अपना ऑफिस छोड़ के वहां पे स्कूल के बाहर खड़ा हो जाऊं और उसको देखता रहूं या कोई भी आसपास हो तो मैं सोचूं ये चाइल्ड लिफ्टर है। तो इस तरह के रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि कोई केस हमारे यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और मेरा बस यही आग्रह है, जस्ट बी प्रिकॉशियस, अलर्ट रहें, बट डोंट बी कैरिड अवे बाय रूमर्स। थैंक यू।